हेलो गाइस, गुड मॉर्निंग। और अब मैं उठ चुकी हूँ और मैंने ब्रश कर लिया है और जो भी नॉर्मल काम होते हैं वो मैंने सारे कर लिए हैं सुबह सुबह उठने वाले, क्योंकि अब मुझे बीकानेर निकलना है इसलिए मैं जल्दी उठी हूँ। मेरी ट्रेन है 9:30 बजे की और अब अगर मैं रेडी नहीं हुई तो मेरी मम्मी मुझे मार देगी। वो भूल जाएगी कि उसकी एक ही लड़की है। बाय। तो मम्मी अब परेशान है क्योंकि टैक्सी वाला 40 के ऊपर नहीं जा रहा और हमें ट्रेन जल्दी पकड़नी है 15 मिनट के अंदर अंदर। मम्मी इरिटेट हो रही है बहुत ज़्यादा। मम्मी भाग रही है क्योंकि पहले हमने कैब की और फिर हमें टैक्सी से आना पड़ा। रीज़न, वो बहुत धीरे चला रहा था। तो अभी हम स्टेशन पे आ चुके हैं और ट्रेन भी आ चुकी है। इसको लग रहा है हम गलत ट्रेन में बैठ गए। ये बीकानेर जा रही है कैसे बैठी हुई है जैसे कि कोई गांव में बैठते हैं। वो ऐसे नहीं बैठते। आशी को आज बैठना नहीं आ रहा है, ये गंवारों की तरह बैठकर अपने कर्तव्य दिखा रही है। मैं राजस्थान की टीटी वाले भैया गए, अंकल सॉरी। एक तो लोगों को ऐसे घूरेगी जैसे पता नहीं क्या ही है। खुद के बच्चे से तो मुंह लगाने जा रहा, लोगों के बच्चे से रुक रुक के पूछ रही है बातें। मेरे से मुंह लग लिया करो। लगेंगे यहाँ पर दुनिया के मुंह, दुनिया के मुंह लगूंगी अभी। हाँ, आज के दही गिरा दिया ना इस दही को सब ऐसे कौन दही उठाता है भाई। अभी हम बीकानेर आ चुके हैं और ये बीकानेर का स्टेशन है और अभी मुझे कैब बुक करवानी है और उस साइड में जाना है। तो अभी हम आ चुके हैं। मुझे पता है अभी आपको आवाज़ नहीं आने वाली है मेरी, क्योंकि ये जनरेटर जो चल रहा है। तो अभी हमने ऑटो लिया है और हम जा रहे हैं अभी घर। सो लेट्स गो। अभी अपने घर पे आ चुकी हूँ और बीच में मैंने व्लॉग बनाना छोड़ दिया था क्योंकि मैं अपने बातों में लग गई थी। तो अभी मैं अपने घर आ चुकी हूँ और ये मेरी इधर दादी सो रही है। मेरी दादी माँ सोते भी सोती है, उठते भी सोती है, सुबह भी सोती है, सोने के बाद भी सोती है, उठने के बाद भी सोती है और भजन गाती है और माला फेरती फेरती भी सोती है। ये ना वो नोबिता है, नोबिता का जैसे तकिया मिलते नोबिता सो जाता था ना वैसे मेरी दादी है। मैं और ये है मेरे कुछ परिवार वाले। ये हैं कुछ लोग हैं जो फोन के अंदर ही डूबे रहते हैं। अरे राखी नहीं बांधूंगी, बकवास करिए। तो जोर से कहा तेरी बजा दोगे तो क्या होगा तुम्हें गंगा। फिर हमने खाना खाया और हमारे पास में एक खाटू श्याम जी का मंदिर है जहाँ पे जगराता हो रहा था, तो हम सब वहाँ पे गए एंजॉय करने और बहुत ही सुंदर था जगराता। ये मंदिर है पूरा बाहर से। बड़ी
फिर जगराता में आए हमारे स्पेशल गेस्ट मिस्टर मेंढक जी, जो कंफ्यूज हो रहे थे और इनको ये नहीं पता था कि भंडारा कहाँ लगा हुआ है। भंडारे की खोज में हमारे मेंढक जी, जिनको भजनों में कोई इंटरेस्ट नहीं था। मेरी तरफ मत आओ यार, मेरे नहीं, नो नो, इधर नहीं है, नो भंडारा। खत्म, बाय बाय, टाटा, गुड बाय, गया। तो फिर ये पगड़ी वाले अंकल आए उन पर्पल वाले अंकल को बोलने के लिए कि आपका टाइम आउट हो चुका है, आप पिछले 4 घंटे से आधा आधा घंटा कह के भजन सुनाए जा रहे हैं। फिर उनको नीचे उतारा गया, जोक्स अपार्ट मैंने बहुत ज़्यादा इंजॉय किया। और इस पूरे भंडारे में जिन जिन ने भी एक्ट किया, हैट्स ऑफ टू देम, मुझे बहुत अच्छा लगा और वो बहुत मेहनत किए थे। थैंक यू गाइज़।